हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। आज 2 अगस्त 2019 है और आज की वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और एप्लीकेशन से भी ये पीडीएफ और आज का टेस्ट भी लगा सकते हैं, तो एप्लीकेशन भी डाउनलोड करना मत भूलिएगा, आई बटन से या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक से। वीडियो की शुरुआत करेंगे, हम बढ़ेंगे थॉट ऑफ द डे की तरफ। हमारा पहला सेगमेंट मोटिवेशनल थॉट आज का, कि आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप प्रयास करना नहीं छोड़ देते। यकीन मानिएगा, आपको अगर प्रयास कर रहे हैं तो अभी आप हारे नहीं हैं, आपका प्रयास जारी है, मतलब आप जीत सकते हैं और जीतेंगे अंततः। तो आप कभी हार मत मानिए, जो आपने संकल्प लिया है उसको पूरा करते रहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए। इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पिछले करंट अफेयर के प्रश्नों के क्विक रिविजन की। पहला प्रश्न कि अटल समुदाय नवाचार केंद्र कार्यक्रम की शुरुआत कहां की गई, तो इसकी शुरुआत नई दिल्ली में हुई। दूसरा प्रश्न कि वाह अंतरिक्ष में अन्वेषण के लिए भारत ने किस दक्षिण अमेरिकी महाद्वीपीय देश से समझौता किया है, तो ये बोलीविया से समझौता हुआ है। और तीसरा प्रश्न है कि वाह अंतरिक्ष में ही अन्वेषण के लिए भारत ने किस गल्फ कंट्री जो है गल्फ देश से समझौता किया है, तो ये बहरीन से समझौता किया है। चौथा प्रश्न है कि इसरो तकनीक संपर्क इकाई की स्थापना किस देश में की जाएगी, तो ये जो ऑफिस खोला जाएगा ये रशिया में खोला जाएगा। और पांचवा प्रश्न है कि भारत ने हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है R-27, इसको किस देश से खरीदने के लिए समझौता किया है, तो ये खरीदी जाएगी रूस के साथ से। छठवां प्रश्न है कि कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो ये विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी को चुना गया है। और सातवां प्रश्न है कि डॉक्टर सुबीर बीगोकर्ण, जिनका हाल ही में निधन हुआ, उनका संबंध किससे था, तो ये IMF से संबंधित थे। आठवां प्रश्न है कि डीप ओशन मिशन कब लॉन्च किया जाएगा, इसको जो लॉन्च किया जाएगा 31 अक्टूबर को किया जाएगा 2019 में ही। और नवा प्रश्न है कि नासा के द्वारा हाल ही में किस ग्रह की खोज की गई है, तो इस ग्रह का नाम है TOI-270B C और D, तीन ग्रह अक्षर में ये। दसवां प्रश्न है कि जापान के दूसरे सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये श्याम सरन है, जो राजनयिक है जापान के अंदर भारत के। तो ये तो था हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आज के करंट अफेयर की तरफ आगे बढ़ेंगे, उससे पहले निवेदन करूंगा, वीडियो पसंद आता लाइक कीजिए, पसंद नहीं आता डिसलाइक कीजिए, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और लाइक कर रहे हो तो शेयर जरूर कीजिए, आपका शेयर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि वाटर स्ट्रेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है, तो भारत की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है, इसमें भारत की रैंकिंग 46 है, 46, यानी कि ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब इसकी डिटेल देख लीजिए क्या है, तो वाटर स्ट्रेस इंडेक्स को जारी किया गया है और इसमें भारत को रैंकिंग मिली है 46, 46वीं, यानी सबसे ज्यादा जल संकट वाले देशों में 46वें नंबर पर भारत का स्थान आता है। भारत के जो 20 बड़े शहर हैं उनको अत्यधिक जोखिम एक्सट्रीम रिस्क वाली श्रेणी में रखा गया है, जिसमें मुंबई शामिल है, चेन्नई शामिल है, नई दिल्ली शामिल है, इंदौर शामिल है, इस तरह के 11 सिटीज हैं। 7 शहर उच्च जोखिम हाई रिस्क में शामिल किए गए हैं, याद रखिएगा। ये सूचकांक लंदन की एक संस्था है जिसका नाम है रिस्क एनालिटिक्स फर्म वेरियक्स मैपल क्राफ्ट, इसके द्वारा इसको जो है तैयार किया गया है। आगे बढ़े उससे पहले हमारी लाइव क्लासेस के बारे में जानकारी। हमारी सीटेट, यूपीटेट और एमपीटेट के लिए बाल विकास की क्लास लाइव चल रही है, दोपहर 12 बजे देखना मत भूलिएगा। इसके अलावा दोपहर 1 बजे हमारी एनटीपीसी के लिए जनरल साइंस की क्लास चल रही है, ये भी देखना मत भूलिएगा। रात को 8 बजे भारत के इतिहास की क्लास एमपीपीएससी मेंस या किसी भी एग्जाम्स के, किसी भी स्टेट सर्विसेज की आप तैयारी कर रहे हैं उसके मेंस के लिए। और रात को 10 बजे होती है मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का टेस्ट डिस्कशन, तो ये सारी क्लासेस देखना मत भूलिएगा। जल्दी आपके लिए जुडिशरी की क्लासेस भी हम लेकर आने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के कुल कितने पद बढ़ाए गए हैं, तो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के अब 3 और पद बढ़ा दिए गए हैं, तो इन 3 पदों के बढ़ने के बाद संख्या कितनी हो जाएगी, पहले कितनी थी, इसकी डिटेल में हम चर्चा कर लेते हैं। तो जो केंद्र का मंत्रिमंडल है उसके द्वारा उच्चतम न्यायालय के अंदर न्यायाधीशों की संख्या जो पहले 30 थी उसको बढ़ाकर अब 33 कर दिया गया, यानी 3 संख्या बढ़ा दी गई है। अब इसमें ध्यान ये रखना है आपको कि न्यायाधीशों की तो संख्या 3 थी, लेकिन जब इसमें चीफ जस्टिस को अगर मिला दिया जाए तो ये संख्या कितनी हो जाती थी, तो ये 30+1 था, एक्चुअल में 30+1 था, राइट। तो अब ये 33+1 यानी कि चीफ जस्टिस के साथ मिलाकर ये संख्या 34 हो जाएगी, और पहले कितनी थी, पहले 30+1 यानी कि 31 हुआ करती थी, अब कितनी हो गई संख्या, 34 हो गई है।
बात करेंगे उच्चतम न्यायालय की, तो उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो 28 जनवरी 1950 को, यानी कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, उसके दो दिन बाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। और वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो रंजन गोगोई जी हैं। संविधान में उच्चतम न्यायालय के गठन का जो प्रावधान किया गया है वह अनुच्छेद 124 में किया गया है। अच्छा, इससे पहले एक और इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, अनुच्छेद 123, उसके बारे में मुझे कमेंट करके बताइएगा आखिर ये अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है कि वर्ल्ड स्किल्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2019 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। ये जो आयोजन किया जाएगा ये रशिया में किया जाएगा, रशिया का भी कजान शहर है, राइट। बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अब इसकी डिटेल देख लीजिए क्या है, तो वर्ल्ड स्किल्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता इसका आयोजन किया जाना है 22 से लेकर 27 अगस्त 2019 के बीच में, कजान जगह है रूस के अंदर, वहां पर हर दो साल में इसका आयोजन किया जाता है। और इस प्रतियोगिता को ओलंपिक फॉर स्किल्स यानी कुशलताओं का ओलंपिक के नाम से जाना जाता है। वर्ल्ड स्किल 2019 के लिए भारत की टीम का चुनाव जनवरी 2018 में ही इंडिया स्किल्स कंपटीशन के तहत कर लिया गया था। इसमें 48 सदस्य हैं भारत के। वर्ल्ड स्किल्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता इसकी जो है 2017 में आयोजन हुआ था, उसका आयोजन हुआ था अबुधाबी में, दुबई में, और 2021 में जो इसका आयोजन होगा वो शंघाई चाइना के अंदर होगा। अभी कहाँ हो रहा है, तो अभी रशिया में हो रहा है। उद्देश्य क्या है कि 2025 तक कौशल की शक्ति से दुनिया को बेहतर बनाया जाए, यानी स्किल लोगों की संख्या इसमें बढ़ाई जाए। अब इसमें 88 देश शामिल हैं, इसमें भाग लेते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि चौथा प्रश्न है कि तीन तलाक कानून को कब से प्रभावी माना जाएगा। तो अभी खबर आई थी कि तीन तलाक कानून को लोकसभा राज्यसभा दोनों में पारित कर दिया गया है, अब राष्ट्रपति पर भी, राष्ट्रपति ने भी इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, तो इसको जो है अब 19 सितंबर 2018 से लागू कर दिया जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब इसकी डिटेल देख लीजिए क्या है, और इसके लिए मैंने पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो एक बार जरूर देखिएगा, बहुत सारी चीजें आपको नई सीखने को वहां पर मिलेंगे। तो मुस्लिम महिलाओं को एक साथ जो तीन तलाक बोलकर दिया जाता था उसको अब अपराध कर दिया गया है, और इसका नाम है मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2019, और इसको जो है 25 जुलाई को राज्यसभा में और 30 जुलाई को इसको जो है पारित कर दिया गया, 25 जुलाई को लोकसभा में एक्चुअल में, और राज्यसभा में 30 जुलाई को इसको पारित किया गया था, राइट। अब इस विधेयक को राष्ट्रपति ने 1 अगस्त को मंजूरी दी, और इसके साथ ही ये 19 सितंबर 2018 से देश में लागू हो जाएगा। याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होगा, जम्मू कश्मीर के अलावा पूरे देश में लागू होगा। अधिनियम बनाने के बाद तीन तलाक क्या हो जाएगा, पूरी तरह से गैरकानूनी होगा, जो दोषी होगा उसको 3 साल की सजा होगी, पीड़ित महिलाओं को अपना और अपने बच्चों के लिए गुजारा भत्ता मांगने की सुविधा इसमें दी गई है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्तियों की बात कर लेता हूँ, क्योंकि ये भी प्रश्न आ सकते हैं कि भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो रामनाथ कोविंद जी 14वें राष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति कौन है, तो एम वेंकैया नायडू। राज्यसभा के सभापति कौन है, तो एम वेंकैया नायडू, क्योंकि पदेन सभापति जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के सभापति होते हैं। उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह हैं। महासचिव दीपक वर्मा है। सदन के नेता के रूप में थावरचंद गहलोत हैं, और राज्यसभा के विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि पांचवा प्रश्न है कि कपड़ा मंत्रालय के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। बहुत सारी नियुक्तियां हुई हैं, और ये जो भी नाम इसमें दिख रहा है इनको किसी न किसी पद पर नियुक्त किया गया है, तो एक एक करके इनके बारे में बताऊंगा। तो रवि कपूर जी को कपड़ा मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, और किसको क्या नियुक्त किया गया है डिटेल में देख लीजिए। तो 1983 बैच के भारतीय सिविल लेखा सेवा, जिसको कहा जाता है ICAS, इसके अधिकारी हैं गिरिराज प्रसाद गुप्ता। इनको जो है लेखा महानियंत्रक CGA के रूप में, राइट। अब 1986 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं डॉक्टर गुरु प्रसाद मोहपात्र। इनको नई दिल्ली के अंदर उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग है उसके सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। 1986 बैच के ही हैं IAS रवि कपूर, इनको कपड़ा मंत्रालय का सचिव बनाया गया है। और इस जो मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति है उसी के द्वारा राकेश अस्थाना, जो भी थोड़े दिन पहले CBI के प्रमुख बनाए गए थे, स्पेशल प्रमुख बनाए गए थे, राइट, उनको जो है महानिदेशक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पद का अतिरिक्त प्रभार भी दे दिया गया है। वर्तमान में क्या है, तो वर्तमान में नागर विमानन सुरक्षा महानिदेशक के रूप में वो काम कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि छठवां प्रश्न है कि 52वें आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहां किया गया है। तो इनका जो आयोजन किया जा रहा है वो थाईलैंड के बैंकॉक में किया जा रहा है, यानी कि बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसकी डिटेल देख लीजिए क्या है, तो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है आसियान, इनके जो विदेश मंत्रियों की बैठक हो रही है वो 31 जुलाई 2019 को बैंकॉक थाईलैंड में 52वें आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक, यानी AAM आसियान फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग में भाग लिया इनके मंत्रियों ने।
अच्छा, 52वें आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने किया। और मेकांग गंगा सहयोग, ये एक योजना है, मेकांग गंगा सहयोग MGC, और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन EAC, इसके क्षेत्रीय मंचों की भी मंत्री स्तरीय बैठकों का आयोजन हुआ, और इसका आयोजन भी थाईलैंड में ही किया गया था। ये भी मंच है, जिस प्रकार से आसियान है उसी प्रकार से EAC भी है, MGC भी है, याद रखिएगा। आसियान की बात कर लेते हैं कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक, जो कि थाईलैंड की राजधानी है, वहां पर इसका सचिवालय जकार्ता के अंदर है, जो कि इंडोनेशिया की राजधानी है। 10 इसके सदस्य देश हैं और महासचिव लिम जॉक हुई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, सातवां प्रश्न, कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना 1 अगस्त 2019 से किन राज्यों में लागू की गई है? तो इस योजना को लागू किया गया है आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना, इन चारों राज्यों के अंदर इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया है। यानी कि सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो एक राष्ट्र एक राशन कार्ड ये योजना जो है 1 अगस्त 2019 से तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में प्रायोगिक तौर पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको लागू किया गया है। पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है? देखिए, जब भी कोई योजना पूरे देश में लागू की जानी होती है, उसको पहले कुछ क्षेत्रों में लगाकर लागू किया जाता है, ताकि उसमें जो जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में अच्छे से स्टडी किया जा सके, उनको रेक्टिफाई किया जा सके, उनको अलग किया जा सके। तो खाद्य सुरक्षा कार्ड धारक इन राज्यों में राशन की किसी भी दुकान से रियायती दर पर चावल और गेहूँ रियायती दर पर खरीद सकते हैं, किसी भी दुकान से इसमें खरीद पाएंगे। इस योजना के अंदर लाभार्थी को अपने राशन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ना होगा, सिर्फ इतना सा करना है। बात करते हैं केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की। तो इसने 30 जून 2020 तक पूरे देश में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लागू करने की घोषणा की हुई है, तो आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, जो कि आठवां प्रश्न है, कि किन सार्वजनिक कंपनियों का विलय करके खनिज विदेश भारत लिमिटेड ये बनाया गया है? तो कौन कौन सी कंपनी है? तो इसमें शामिल है राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और मिनरल्स एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, यानी कि ये सभी कंपनियों इसमें शामिल हैं। अब इसकी डिटेल देख लीजिए कि आखिर है क्या। तो भारतीय बाजारों में जो खनिज महत्व है उनकी आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए केंद्र की तीन जो सार्वजनिक कंपनियां हैं उनको मिलाकर एक नई कंपनी बनाई गई है, जिसका नाम है खनिज विदेश भारत लिमिटेड, राइट। अब इसकी डिटेल देख लीजिए। तो इस संबंध में राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड और ने नई दिल्ली में कोयला और खान मंत्री की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए हैं। नई कंपनी देश में कम मात्रा में उपलब्ध जो लिथियम है, कोबाल्ट है, उसकी आपूर्ति को सुनिश्चित करने का काम करेगी। और वर्तमान में कोयला और खान मंत्री कौन है? तो प्रहलाद जोशी हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, जो कि नवा प्रश्न है, कि सदन में किस सत्र से लोकसभा को पेपरलेस करने की घोषणा कर दी गई है, कि अब जो सदन होगा वो पूरी तरह से पेपरलेस होगा, पेपर का यूज नहीं किया जाएगा। ये की गई है शीतकालीन सत्र में, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है, विंटर सेशन से। डिटेल देख लीजिए इसकी क्या है। तो लोकसभा अध्यक्ष ने घोषणा की है कि अगला जो सत्र होगा, अगला सत्र होने वाला शीतकालीन सत्र, एक्चुअल में तीन सत्र होते हैं लोकसभा या राज्यसभा के अंदर, या संसद के तीन सत्र होते हैं। एक होता है बजट सत्र, जो कि फरवरी के आसपास होता है। दूसरा जो होता है मानसून सत्र होता है, जो कि अगस्त सितंबर के जुलाई अगस्त में होता है। और तीसरा जो सत्र होता है वो शीतकालीन सत्र होता है। तो तीन सत्र होते हैं, याद रखिएगा। वैसे नियम क्या है? नियम ये है कि छः महीने के अंदर दो सत्र कम से कम हो जाने चाहिए। अब इससे कार्यवाही के दौरान इस्तेमाल होने वाले जो कागज हैं उनकी उपयोगिता को कम करके काफी बड़ी बचत होने वाली है, और इसके लिए सांसदों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो लोकसभा अध्यक्ष बहुत फेमस है, ओम बिरला साहब। अपना जो लोकसभा को अनुशासन में जो उनके द्वारा लाया गया है खासकर, वो बड़ा चर्चा का विषय और काफी अच्छा भी है देश के लिए। निर्वाचन क्षेत्र की बात कर लेते हैं इनके, तो कोटा, बूंदी राजस्थान के अंदर है, यहां से ये निर्वाचित हैं, बीजेपी से आते हैं। निम्न सदन है लोकसभा, इसमें 545 सदस्य हैं, और उच्च सदन है राज्यसभा, इसमें 245 सदस्य हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि दसवां प्रश्न है, कि T20 इंटरनेशनल में 100 रन और 100 विकेट लेने वाले पहले क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? तो पहले क्रिकेट खिलाड़ी जो 100 रन और 100 विकेट लिए हैं, और ये लिए हैं एलिसे पेरी ने। ये एक्चुअल में महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं ऑस्ट्रेलिया की, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अब इनकी डिटेल देख लीजिए क्या है। तो हुआ क्या है, ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर है एलिसे पेरी, T20 इंटरनेशनल इसमें पुरुष और महिला दोनों शामिल है, उसमें 1000 रन और 100 विकेट लेने वाली पहली क्रिकेटर ये बन गई हैं। उपलब्धि उन्होंने अपने 104वें मैच में हासिल की है, 104वां उनका T20 मैच था।
ऑस्ट्रेलिया की बात कर लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, यहाँ के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है और मुद्रा यहाँ की ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। मैप में मैं आपको ऑस्ट्रेलिया ले चलता हूँ, और ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा भारत है, और हमारे भारत से अगर आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है तो मूव कीजिए नीचे की तरफ। नीचे आप जाएंगे ना तो ये जो आपको बड़ा सा देश दिखाई दे रहा है ये ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी यहाँ पर आप देखेंगे ये कैनबरा है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। और ऑस्ट्रेलिया के जो बड़े शहर जिसका नाम आपने सुना होगा, जैसे मेलबर्न है, सिडनी है, ब्रिस्बेन है, राइट, एडलेड है, इधर देखेंगे तो पर्थ है, ये एक्चुअल में सब किनारों पे बसे हुए हैं। बीच में तो बड़ा सा डेजर्ट है, रेगिस्तान टाइप का इलाका है, राइट। तो सारे जो बड़े बड़े शहर आप देख पा रहे होंगे ये सब बिल्कुल किनारों पे बसे हुए हैं। और इसके पूर्वी किनारे पर एक जगह जिसको कोरल रीफ कहा जाता है, राइट, ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है, ये कोरल रीफ है पूरी तरह से, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो ये तो था हमारा पूरा आज का करंट अफेयर का सेशन। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करें, पसंद नहीं आता डिसलाइक कीजिए। और आज की बात करेंगे हम यहीं समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।